स्टूडेंट्स टुडे इज टॉपिक एक्नी वुलगेरिस। इंट्रोडक्शन। एक्नी वुलगेरिस इज ए कॉमन फॉलिकल डिसऑर्डर इफेक्टिंग सस्टेनेबल हेयर फॉलिकल्स मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑन द फेस नेक एंड अपर ट्रंक। जो एक्नी वुलगेरिस है एक कॉमन डिजीज है हेयर फॉलिकल डिसऑर्डर की, जो कि रुकावट या पायलोसेबेसिस जो यूनिट्स है उनकी जो ग्लैंड्स हैं या रोम हेयर फॉलिकल्स हैं इसमें शामिल होती है। यह फेस पे नॉन इन्फ्लामेटरी एंड इन्फ्लामेटरी का जो दोनों मिलके फेस को काफ़ी इफेक्टिव करती है, जो मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑफ द फेस नेक एंड अपर ट्रंक पे होती है। नेक्स्ट इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में पहला जेनेटिक। जेनेटिक यानी हेरिडिटी। अगर एक्नी वुलगेरिस जेनेटिक है तो वह कंटिन्यूज आगे हो सकती है अपने किसी फैमिली मेम्बर को। दूसरा है हार्मोनल। इसमें जो हार्मोनल स्पेशली रीजन होता है वो होता है एंड्रोजन सच है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्किन की जो सेल्स है उसकी एक्टिविटी को एंड उसको इन्फ्लामेशन को और कोलिजेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स बाय ए बैक्टीरिया नाउ, जैसे कि बैक्टीरिया प्रोपियोनियो बैक्टीरियम यानी पी एक्निस को गति देते हैं, जिसके कारण से ये हार्मोनल भी इसमें एक कारण माना जाता है। थर्ड है बैक्टीरिया फैक्टर्स। बैक्टीरियल फैक्टर्स में जैसे बताया मैंने आपको प्रोपिनियो बैक्टीरियम एक्नी जो होते हैं वे इज द नाम ऑफ द बैक्टीरिया दैट लाइव ऑन द स्किन एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इन्फेक्शन ऑफ पीपल्स। द सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्नी डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बैक्टीरिया। नॉट ऑल बैक्टीरिया ट्रिगर पिंपल्स, यानी जो पी एक्नीज बैक्टीरिया है वह त्वचा में रहते हैं और इस इन्फेक्शन जो कि संक्रमण में पूरा मतलब पूर्ण योगदान देते हैं, जैसे कि मौसमावधि, गंभीरता, फ्रीक्वेंसी इन बैक्टीरियों की स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। सभी बैक्टीरिया पीपल्स को ट्रिगर नहीं करते। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्नी। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को एक्नी है तो ये भी एक इटियोलॉजी में आता है कि नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी यानी कौन सी इसकी जो क्रियाएँ हैं। एक्नी ये मल्टीफोक्रियल इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, जो कि जो पायलोसेबेसिस जो फॉलिकल्स हो उसको इफेक्ट करती है और उसके विकास को जो प्रारंभिक जो केराटिनोसाइट्स है उसकी जो अमान्य जो जो लक्षण है उसको सेबेसिस फॉलिकल्स के माइक्रोप्लाग या माइक्रो कमांडो को रेखा में तब्दील करती है, बनाती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड्रोजन्स स्टिमुलेट द सेबेसिस ग्लैंड्स कूजिंग देम टू इनलार्ज एंड सीक्रेट ए नेचुरल ऑयल सीबम विच राइजेस टू द टॉप ऑफ हेयर फॉलिकल एंड फ्लो आउट ऑन टू द स्किन सर्फेस। इन एडोलेसेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो एंड्रोजन जो स्टिमुलेट करती है जो सीबेसिस ग्लैंड कॉजिंग देम इनलार्ज, जिससे वह एक प्राकृतिक तेल यानी सीबम्स सीबेसिस ग्लैंड्स कॉजिंग देम इनलार्ज एंड सीक्रेट एंड नेचुरल ऑयल प्राकृतिक तेल सीबम को जो बालों के विच राइज टू टॉप द हेयर फॉलिकल जो बालों के टॉप हेयर यानी शीर्ष तक एंड फ्लो इन टू द स्किन और स्किन के सर्विस में फैल जाता है या बह जाता है। नेक्स्ट है इन एडोलिसेंट्स हाउ डेवलप एक्नी एंड्रोजेनिक स्टिमुलेटिंग प्रोड्यूस है हाई टेंड रेस्पॉन्स इन द सीबेसिस ग्लैंड सो दैट एक्नी अकर्स वेन एक्यूमुलेटेड सीबम प्लक्स ऑन द पायलोसेबेसिस डक्ट्स। इन एडोलेसेंट में जो एंड्रोजेनस स्टिमुलेट प्रोड्यूस करते हैं जो जो वशामय ग्रंथियां हैं को बढ़ाती है और उसकी प्रतिक्रिया को बॉन्ड करती है या पैदा करती है, ताकि वे जो संचय तब होता है जब संचित जो पायलोसेबेसियस डक्ट है जो नलिकाएं हैं उनको प्लग करता है और ये सभी दिस एक्यूमुलेटेड मटेरियल फॉर्म्स कोमेडोन्स और ये सभी जो एक्यूमुलेट मटेरियल है वह कोमेडोन्स बनाती है।
जो कॉमिडेंट्स जो त्वचा के रंग होते हैं, यानी इसमें दो प्रकार के कॉमिडेंट्स होते हैं, एक होता है ओपन एंड क्लोज। ओपन कॉमिडेंट्स ब्लैक कलर के होते हैं, जो कि जिसका रीजन होता है ब्लैक कलर का, मेलानिन। दूसरा होता है क्लोज होते हैं वाइट हेड्स, ठीक है, जो इज ए फॉलिकल्स कम्प्लीटली ब्लॉक, जो कि फॉलिकल्स को कम्प्लीटली ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वह पहला है द प्राइमरी लीजन्स ऑफ एक्नी आर कॉमिडेंट्स। प्राइमरी लीजन्स में जैसे मैंने बताया आपको कॉमिडेंट्स, क्लोज कॉमिडेंट्स एग्जाम्पल वाइट हेड्स आर ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स फ्रॉम द इम्पैक्ट लिपिड्स ऑयल्स एंड केराटिन दैट प्लग द डायलेटेड फॉलिकल्स। जो बंद कॉमिडेंट्स है एग्जाम्पल के लिए वाइट हेड्स, वह लिपिड्स को ऑब्सेसिव लीजन्स फॉर्म इम्पैक्ट लिपिड्स ऑयल्स एंड केराटिन दैट प्लग द डायलेटेड फॉलिकल। नेक्स्ट दे आर स्मॉल व्हाइटिस पीपल्स विद मिनट फॉलिकल्स ओपनिंग दैट जनरली कैन नॉट बी सीन। थर्ड है दीज क्लोज कॉमिडोन्स मे इन्वॉल्व इन टू ओपन कॉमिडोन्स इन विच कंटेंट्स ऑफ द डक्ट आर इन ओपन कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है द कलर ऑफ ओपन कॉमिडेंट्स, यानी एग्जाम्पल ब्लैक हेड्स रिजल्ट नॉट फ्रॉम डाइट डट बट फ्रॉम एन एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड बैक्टीरियल एंड एपिथेलियम डेब्रिज। सम क्लोज कॉमिडेंट्स में रैप्चर्स रिजल्टिंग इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कॉज बाई लीकेज ऑफ फॉलिकल कंटेंट्स एग्जाम्पल सीबम केराटिन बैक्टीरिया इन टू द डर्मिस ड्यू टू द एक्शन ऑफ सर्टन स्किन बैक्टीरिया सच एज प्रोपिनियम बैक्टीरियम एक्नीस के रीजन के कारण स्किन से लीकेज ऑफ फॉलिकल कंटेंट्स लीक होते हैं। नेक्स्ट है द रिजल्टिंग इन्फ्लामेशन इज सीन क्लिनिकल इरिथ्रोमेटस पीपल्स इन्फ्लामेटरी पोस्टुल्स एंड इन्फ्लामेटरी सीस्ट। रिजल्टिंग इन्फ्लामेशन का जो मिलता है वो उसमें होता है कि एज इरिथ्रोमेटस पीपल्स इरिथ्रोमेटस पीपल्स हो जाते हैं, इन्फ्लामेटरी पोस्टुल हो जाते हैं और इन्फ्लामेटरी सीस्ट के टाइप जो होते थे एल्कोवेलगरिस। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक स्टडीज में पहला है हिस्ट्री कलेक्शन करनी है हमें, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड ऑप्ट जो सीवियस केस में बायोप्सी ऑफ लीजन्स। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टू रिड्यूस बैक्टीरियल कॉलोनीज बैक्टीरियल रिड्यूस रिड्यूस करना, टू डिक्रीज सीबीसी ग्लैंड एक्टिविटी, टू प्रिवेंट द फॉलिकल्स फ्रॉम बिकमिंग प्लग, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, टू कॉम्बैक्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन, टू मिनिमाइज स्कारिंग, टू एलिमिनेट फैक्टर्स दैट predispose the person of acne, there is a no predictable care for disease but combination of therapies are available that can effectively control its activity, topical treatment may be all that is needed to treat mild moderate lesions and superficial inflammatory lesions, systematic treatment may be necessary for severe and extensive। और डिजीज कॉम्बिनेशन थेरेपीज है आर अवेलेबल दैट कैन इफेक्टली कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी। दूसरा टॉपिकल ट्रीटमेंट है जो नीडेड टू मॉडरेट लीजन्स एंड सुपरफिशियल इन्फ्लामेटरी लीजन्स। दूसरी है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट मे बी नेसरी अगर आवश्यक है तो सीवियर एंड एक्सटेंसिव केयर एक्सटेंसिव एक्नी में। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड हाइजीन थेरेपी में पहला डाइट फूड बिलीव्ड टू प्ले मेजर रोल इन थेरेपी। जो डाइट है वह एक्नी वेलगोरियस डिजीज में मेजर रोल बड़ा रोल अगर विश्वास है तो वो डाइट अप्रूव करनी चाहिए। अवॉइड चॉकलेट कोला फ्रॉइड फूड्स मिल्क प्रोडक्ट्स विच आर द कंसिड टू इंक्रीज द एक्नी डेवलपमेंट। इन सभी को अवॉइड करना चाहिए जो कि इंक्रीज एक्नी को इंक्रीज करता है। मेंटेन गुड न्यूट्रिशन टू इक्विप द इम्यून सिस्टम फॉर इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है फॉर माइल्ड केसेस टू एक्नी वॉश द फेस ट्वाइस एंड क्लिनिंग सोप, दिस सोप से रिमूव ऑफ एक्सटेंसिव स्किन ऑयल एंड द कॉमिडो ऑफ मोस्ट केसेस।
एक्नी मेडिकेशन कंटेस सैलिसिलिक एसिड बेंजोइल प्रोक्साइड विच आर इफेक्टिव दैट रिमूविंग सेबेसिस फॉलिकुलर प्लैक्स। एक्नी मेडिकेशन में कंटेंट सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइल प्रोक्साइड जो कि इफेक्टिव होते हैं रिमूविंग द सेबेसिस फॉलिकुलर प्लैक्स। द प्लैक्स शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू डिसकंटिन्यू देयर यूज टू सीवर इरिटेशन अकर्स। ऑयल फ्री कॉस्मेटिक्स क्रीम्स शुड बी चूज। अब है टॉपिकल फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। पहला है बेंजोइल प्रोक्साइड। बेंजोइल प्रोक्साइड प्रिपरेशन आर वाइडली यूज्ड बिकॉज दे प्रोड्यूस ए रैपिड एंड सस्टेन्ड रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी लीजन्स। दूसरा दे डिप्रेस सीबम प्रोडक्शन एंड प्रमोट ब्रेकडाउन कोमिडो प्लट्स। दे आल्सो प्रोड्यूस ए एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट बाय सुप्रेसिंग। बेंजोइल प्रोक्साइड बेंजोइल इरिथ्रोमाइसिन लास्ट है बेंजोइल प्रोक्साइड बेंजोइल इथ्रोमाइसिन एंड बेंजोइल सल्फर कॉम्बिनेशन आर अवेलेबल ओवर द काउंटर बाय प्रिस्क्रिप्शंस। विटामिन ए एसिड यानी टोटिनिनोन अप्लाइड टॉपिकली यूज्ड टू क्लियर केराटिन प्लक्स फ्रॉम द पाइलोसेबेसिस डक्ट्स। विटामिन ए एसिड स्पीड्स टू सेलुलर टर्नओवर फोर्सेस आउट ऑफ द कोमिडोन्स एंड प्रिवेंट न्यू कोमिडोन्स। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट फॉर एक्नीज कॉमन। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स सुप्रेस फॉर ग्रोथ फॉर पी एक्नीज रिड्यूस सुपरफिशियल फ्री फैटी एसिड्स लेवल डिक्रीज कोमिडोन्स पेपुल्स एंड पोस्टुल्स। कॉमन टॉपिकल प्रिपरेशन इंक्लूड टेट्रासाइक्लिन क्लिडामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजिकल थेरेपी एंटीबायोटिक्स में पहला है टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन एंड माइनोसाइक्लिन एडमिनिस्टर्ड इन ए स्मॉल डोजेस ओवर लॉन्ग पीरियड वेरी इफेक्टिव ट्रीटिंग मॉडरेट एंड सीवियर एक्नी स्पेशली व्हेन द एक्नी इज इन्फ्लामेटरी एंड रिजल्ट इन पोस्टुल्स एब्सेस एंड स्कारिंग। आल्सो ट्रीटेशन इज यूज ऑफ एक्टिव इन्फ्लामेटरी पॉपुलर पोस्चर एक्नी दैट हैज ए टेंडेंसी ऑफ स्कार। आइसो ट्रीटेशन टिटिनियन रिड्यूस्ड सीबेसिस ग्लैंड साइज इनहिबिट्स सीबम प्रोडक्शन। थर्ड इज इट आल्सो कोज द एपिडर्मिस टू सेट थेरेपी अनसीटिंग एंड एक्सप्लेनिंग एग्जाइटिंग कोमिडोन्स। नेक्स्ट है हारमोन थेरेपी, क्योंकि हारमोन भी एक्नी में काफ़ी एक्नी को इम्प्रूव करते हैं। तो इस्ट्रोजन थेरेपी होती है जो कि इंक्लूडिंग प्रोजेस्टेरोन इन इस्ट्रोजन प्रिपरेशन सुप्रेस सीबम प्रोडक्शन एंड रिड्यूस स्किन ऑयलनेस। इस्ट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इस्ट्रोजन डोमिनेंट ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव कंपाउंड्स मे बी एडमिस्ट ऑन द प्रेस्क्राइब साइक्लिन रेजिमेन। नेक्स्ट एस्ट्रोजन इज नॉट एडमिस्टर्ड मेल पेशेंट बिकॉज ऑफ अंडरसीरेबल साइड इफेक्ट। नेक्स्ट है सीवियर कंडीशन इज एक्नी सर्जिकल मैनेजमेंट। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोमिडोन कंटेंट्स ड्रेनेज ऑफ पोस्टुल्स एंड सिस्ट एक्सेशन ऑफ साइनस ट्रैक्स एंड सिस्ट इंट्रानीजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर्म इन्फ्लामेटरी एक्शंस क्रायोथेरेपी डर्मो एब्रेशन फॉर स्कार लेजर लिसरफेक्टिंग ऑफ स्कार। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट पहला मेजर नर्सिंग एक्टिविटीज इंक्लूड पेशेंट एजुकेशन पार्टिकुलर इन प्रॉपर स्किन केयर टेक्निक्स एंड मैनेजिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम रिलेट टू द स्किन डिसऑर्डर ऑफ थेरेपी प्रिवेंटिंग स्कारिंग। पेशेंट शुड बी वॉर्न्ड दैट डिसकम्फर्ट इन्वॉल्विंग दिस मेडिकेशन कैन बी एक्सासर्बेट एक्नी लीड टू मोर फेलियर UPS सडन आउट ब्रस्ट एंड इंक्रीज द चांस ऑफ डीप स्कारिंग। मैनिपुलेशन ऑफ द
कॉमिडॉन्स पॉपल्स एंड पॉस्चुल्स इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर स्कारिंग. नेक्स्ट है प्रिवेंशन इन्फेक्शन. फीमेल पेशेंट्स रिसीविंग लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी विद टेट्रासाइक्लिन शुड बी एडवाइज टू वॉच फॉर रिपोर्ट्स साइन एंड सिम्टम ऑफ ओरल वेजाइनल कंडीशन इज लाइक फंगल इन्फेक्शन. नेक्स्ट है टीचिंग पेशेंट सेल्फ केयर. टेकिंग प्रेस्क्राइब मेडिकेशन पेशेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू वॉश द फेस एंड ओरल इफेक्टेड एरियाज विद माइल्ड सोप एंड वाटर ट्वाइस ईच डे टू रिमूव सरफेस ऑयल्स एंड प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ऑयल ग्लैंड. कॉशन द पेशेंट्स अवॉइड स्क्रबिंग द फेस. पेशेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ पिंपल्स एंड ब्लैक हेड्स. This is complete is acne vulgaris. Thank you everyone. Have a good day.